दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का एक डेमोंस्ट्रेशन देखने वाले हैं। हम लोगों को पता है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे इस मशीन के पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं। मैंने दो पिथ बॉल्स को अटैच किया है। जो भी बॉल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्जेस आएगा, और दूसरा जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और क्योंकि इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस हैं, इसलिए दोनों बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये जो थ्रेड्स जिनके साथ ये बॉल्स कनेक्टेड है उस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना। तो जैसे जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड उस पर बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा। और अभी हम देख पा रहे हैं कि वो दोनों थ्रेड्स वो भी पास में आ गए हैं, है ना। यस, तो दोस्तों अब यहाँ पे मैंने इन दोनों बॉल्स को एक ही इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है। जो भी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज होगा इन दोनों बॉल्स पे सेम ही चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों बॉल्स अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अभी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ये बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हाँ या नहीं। यस, अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू सो मच।